विधायक निधि वर्ष 2019-20 से राशि स्वीकृत करते विधायक। कोरोना वायरस की महामारी से संपूर्ण भारतवर्ष एवं संपूर्ण विश्व में जो भयावह स्थिति बनी हुई है उसको दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सकीय सुविधा हेतु सैनिटाइजर, दवाइयां, मास्क आदि विधायक निधि वर्ष 2019-20 से 10 लाख रुपए सूची अनुसार राशि विधायक गोपाल सिंह चौहान ने जारी की। जिले के तीनों विधानसभाओं के लिए इस अनुसार है। चंदेरी विधानसभा के लिए 2 लाख, ईशागढ़ के लिए 2 लाख, नई सराय के लिए 50,000, कदवाई के लिए 50,000, अशोकनगर विधानसभा के लिए 2.5 लाख और मुंगावली विधानसभा के लिए 2.5 लाख की राशि स्वीकृत की। भारत में कोरोना संक्रमण की बीमारी बढ़ती जा रही है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं और हमारी जनप्रतिनिधि होने के नाते भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। मैंने पूरे अपने अशोकनगढ़ जिले के लिए 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की है, क्योंकि 5 लाख चंदेरी विधानसभा के लिए, 2.5 लाख मुंगावली विधानसभा के लिए और 2.5 लाख अशोकनगर विधानसभा के लिए। क्योंकि चंदेरी विधानसभा के लिए 5 लाख इसलिए दिए हैं मैंने कि मैं अपनी विधानसभा से बाहर कहीं भी 5 लाख से अधिक राशि नहीं दे सकता, इसलिए मैंने 2.5 लाख अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा के लिए राशि दी है। माननीय, मैंने सुना है हमारे सांसद जी ने भी 16 लाख रुपया पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए दिए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस समय हमको भाजपा और कांग्रेस या अन्य दल नहीं देखना है, हमको सभी पार्टियों के लोगों को मिलकर पूरे भारत वर्ष में जो संकट आया है उसका निदान करना है। और सभी शहरवासी और देशवासियों से मेरा निवेदन है, सब लोग मास्क लगाएं, अपने हाथ साबुन से स्टराइजर से हाथ धोएं और अपने घरों में रहें। जय हिंद, जय भारत।